नमस्कार। आप सब यहाँ आए हैं ट्रेलर के देखने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ सबको। यार ये बहुत बड़ा चैलेंज था, एंड जितना चैलेंज बड़ा होता है उतना काम करने में मजा आता है। वो मजा ये होता है कि उस चैलेंज को आप कैसे सिंपल करें, उसको डिफिकल्ट ना करें, उसको कैसे सिंपल करें। मैं फॉर्चुनेट था, मुझे बहुत अच्छी टीम मिली। विनोद जी जैसे प्रोड्यूसर मेरे साथ खड़े थे, पंकज जी जैसे अभिनेते मैं अभिनेता मेरे सामने खड़े थे। तो ये जो प्रोसेस है, जो डिफिकल्ट टास्क को सिंपल बनाने की, वो फर्स्ट टास्क था मेरे माइंड में। दूसरी बात मेरे माइंड में ये थी कि जब मॉनिटर पे मैं हर सीन देखता था, मैं पंकज जी को देखता था, तो मेरे माइंड में एक बात हमेशा ऐसी आती थी कि ये देख के जिनके ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं उनको कैसा लगेगा। तो हम सबके माइंड में वो एक हमेशा कॉन्शियसनेस होती थी कि जिस जिस आदमी ने ये जिंदगी जी है उनको कैसा लगेगा ये फिल्म देख के, अगर आज वो होते। तो आई थिंक आई एम वेरी श्योर कि जो काम हमसे हुआ है, ये फिल्म अटल जी जहाँ भी होंगे वो देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, ही विल फील वेरी नाइस अबाउट इट। एंड दैट्स द टास्क जो हमने खुद के मन पे रखा था। एंड तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग थी, वो केवल पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक कलाकार थे। और एज अ कलाकार, एक कलाकार को प्राइम मिनिस्टर बना हुआ देखना हम सबके लिए एज ए कलाकार बहुत प्राउड फील थी। तो ये स्पेशल मोमेंट हम सबके लिए था। हम सब कलाकार, मेरी टीम के जितने भी कलाकार, हम सब कलाकारों ने ऐसे कलाकार के लिए फिल्म बनाई है जो देश का पत्ते पतन बना। बिकॉज पहले से पूरी टीम के माइंड में था कि ये फिल्म की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो उस तरीके से ऋषि जो राइटर है हमारे, तो उस ढंग से ये फिल्म लिखी गई है। पहले से इस तरीके से लिखी गई है कि कल कुछ काटना ना पड़े, क्योंकि क्या होता है कभी काटा तो वो उस स्टोरी बीच में कट कट हो ही लगती है। तो पहले से हम बहुत कॉन्शियस थे कि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि आज मेरे दो बेटे हैं, आज मेरा एक बेटा 24 साल का है और मेरा बेटा 20 साल का है। मैं सबसे बड़ी ऑडियंस वो दोनों है। करेक्ट। अगर उन दोनों को लगा कि मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको प्राउड लगा, तो मुझे लगा कि मैं जीत गया।